हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं, मेजर गौरव आर्या की वीडियो है जिसमें वो बात कर रहे हैं टीटीपी डिक्लेयर्स वॉर ऑन पाकिस्तान। तो वो तो दिख ही रहा है हमें, न्यूज आ गई है। पहले उन्होंने बोल भी दिया था कि भैया हम तो अब हमले शुरू कर रहे हैं, सीज फायर खत्म। और उसके बाद अगले दिन ही न्यूज आने लग गई थी कि वहां पे जो है इस टाइप से जो चीजें हो रही हैं वो सबको पता चल ही रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि यार ये सीज फायर वगैरह ये सब छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं, और पाकिस्तान में हर जगह अटैक करो। ने एजुकेशन तालिबान के साथ डिस्कस करा, ये तो इनके हाल है। इन्होंने एजुकेशन तालिबान जो कहता है लड़कियों को, हम तो पठान लोग हैं, हम गैरतमंद लोग हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, हमें मांगना नहीं आता, ठीक है। और तुम तो एक्सपर्ट, अमरीका ने मुझे हटा दिया, अमरीका ने ये कर दिया। अब ये पीठ पीछे चापलूसी कर रहा है यार, गलती हो गई, इसके लिए पैसा। किसके बारे में बोल रहा है? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों पहले तो मैं माफी चाहता हूं, मैं 3-4 दिन से कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। मैं कश्मीर गया हुआ था किसी काम के सिलसिले में और दोस्त भी हैं वहां पे बड़े सारे, तो मुझे लगभग हर महीने जाना पड़ता है वहां पे। और मैं कश्मीर से लौटा, कल शाम को लौटा और आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज है 1 दिसंबर। दोस्तों कई सारी चीजें हो गई बीच में जो मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि वीडियोज आए नहीं, लेकिन आज मैं वही 2-3 चीजें जो पिछले 2-3 दिन से चल रही है उसका एनालिसिस आपको देने की कोशिश करूंगा। ये हुआ क्या है, नोज पे क्या हो गया, ये बात क्या है, ये माजरा क्या है, ये खीर कौन सी पकड़ी है। देखिए ऐसा है, अचानक एक दिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और ये खबर आप सुन चुके हैं बाय द वे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कहता है यार ये सीज फायर वगैरह ये सब छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं, और पाकिस्तान में हर जगह अटैक करो। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहता है पाकिस्तान के हर जगह अटैक करो। अच्छा ये सीज फायर कब था मुझे आज तक पता नहीं लगा। नहीं था, मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई सीज फायर था। शांति हो गई थी क्योंकि सीज फायर ये लोग कह रहे हैं कि कई महीनों से सीज फायर था। यार सीज फायर में इनके 300 बंदे मार दिए, अब पता नहीं जब ये जंग लड़ेंगे तो क्या करेंगे, कितने मारेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सीज फायर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उनके अफिलिएटेड ग्रुप्स ने पाकिस्तान के अंदर 300 शहरी मार दिए, जिसमें शामिल फौज, शामिल उनकी एफसी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, शामिल उनके पुलिस वाले और ये सब लोगों को मिला। अब और को करेंगे ना, साल साल 300 के तो और ज्यादा करने लग जाएंगे लगता है। अब वो कह रहे हैं अब सीज फायर हम तोड़ रहे हैं। अब क्या लॉजिक लगाया उन्होंने कि जब अमन था, जब शांति था, चैन था, जब एक ज्यादा रेट से होगा थी, इश्क था, प्यार था, तब उन्होंने 300 निपटा दिए। अब ये क्या करेंगे मुझे नहीं पता, अब और करेंगे, और करेंगे। अब हो गया ये कि पाकिस्तानियों में मची हड़कंप। अब हड़कंप मची तो पाकिस्तान के एक डेलीगेशन काबुल चला गया। अच्छा ठीक है जी, पाकिस्तान का एक डेलीगेशन फॉरेन ऑफिस का काबुल गया है और वहां पे तालिबान के लीडरशिप से मीटिंग हुई है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हीना रबानी खर। अच्छा ये वो चली गई डेलीगेशन लेके तालिबान से बात करने, पागल है क्या, क्या करना चाहिए और हमारे तालुकात कैसे बेहतर हो। वहां पर भी मतलब अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी इकोनॉमी ठप है, ठीक है, खून बह रहा है वहां पे, तालिबान का राज है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है, उनसे भी पाकिस्तान पसीना आ रहा है क्या। आप देखिए ना, ये आपको उनसे भी पाकिस्तान मीडिया नहीं बताएगा, ये आपको मेजर ही बताएगा। ये अफगानिस्तान भी मांगने गए, ये जो फिलिस्तीन गए थे वहां उनसे भी एम्बुलेंस इन्होंने मांग ली थी। ये मांगने से बाज एक्चुअली क्या है, मांगना चाहते नहीं, किसी को नहीं छोड़ते। मेमोरी होती है ना, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे अगर आपके मुंह के सामने कोई ऐसी हाथ हिला दे तो आप अचानक अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं अपने मुंह को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। उनको रिफ्लेक्स एक्शन मांगना, पाकिस्तानियों का रिफ्लेक्स एक्शन है, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या करें तो मांग लेते हैं। अच्छा ये चले गए मांगने के लिए किससे, तालिबान से, और लंबी लंबी फेंकी है पाकिस्तानियों ने। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का, अ रेंज ऑफ बायलैटरल इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इंक्लूडिंग कोऑपरेशन इन एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स। एजुकेशन बात करने गए तालिबान से,
ठीक है, ये एग्जैक्ट समझिए क्या बात कर रहे थे उस क्लिप में, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का। तालिबान ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, पाकिस्तानी एज यूजुअल भंगड़े शंगड़े लुड़ियां शुड़ियां डाल के सब लोग बिल्कुल मस्त हो रखे हैं कि बाबा आज तो मजा आ गया। अच्छा, इन्होंने एजुकेशन तालिबान के साथ डिस्कस करा, ये तो इनके हाल है। इन्होंने एजुकेशन तालिबान जो कहता है लड़कियों को एजुकेट करानी चाहिए और लड़कों को भी मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो इस्लामी तालीम दो, दीनी तालीम दो मैक्सिमम पॉसिबल। ऐसी बात नहीं है कि वहां पे मैथ्स और साइंस और अंग्रेजी नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल यही दो। उनसे पाकिस्तान ने एजुकेशन डिस्कस करा, ठीक है। फिर पाकिस्तान ने उनके साथ करा हेल्थ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तालिबान के साथ डिस्कस हुआ, जिनका कुछ आई नहीं। फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, देखो बाबा हिम्मत, आपको पाकिस्तानियों की हिम्मत को सैल्यूट करना पड़ेगा यार, हिम्मत, हैट्स ऑफ। मैं तो हिम्मत तो नहीं है, डिस्कसिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद तालिबान, और मैं बता रहा हूं इन्होंने वहां पे जाके भी मांगा होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं इन्होंने तालिबान से पैसे मांगे होंगे कि यार आप इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ ट्रेड व्रेड हो जाए, कुछ पैसे वैसे का फायदा हो जाए, मैं बता रहा हूं, राइट right? क्योंकि वो तो ठोक रहे हैं इनको। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक ही है, कई समय तक पाकिस्तान ने झूठ बोला अपने खुद के लोगों से। पाकिस्तान जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करता ना IW, पाकिस्तान बाहर के मुल्कों में नहीं करता, वो अपने लोगों के खिलाफ करता है कि हम पाकिस्तानियों को बेवकूफ नालायक जाहिल बना के रखें। पाकिस्तानी फौज अपने खुद के शहरियों के खिलाफ IW करती है। खैर, अब ये बात कर रहे हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तालिबान के साथ। रीजनल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तालिबान ने पेशकश करी, क्या कोई बॉर्डर नहीं है, पेशकश करी पाकिस्तान के सामने कि भाई तुम जो हमारे सामने इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, बात क्या है? अगर तुम अमन चाहते हो पाकिस्तान के अंदर, ये कहा नहीं डायरेक्टली, राइट, आई एम नॉट कोटिंग द तालिबान, तालिबान ने डायरेक्टली नहीं कहा लेकिन ये इंप्लाइड थ्रेट था। तालिबान ने कहता है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में ट्रेड होना चाहिए और पाकिस्तान ने जो लैंड के बॉर्डर रोक रखा है भारत को लेके, आप ये बॉर्डर खोलिए। तालिबान की बहुत पुरानी डिमांड है, इंडिया ने तो खैर कह कह के छोड़ दिया थक के, अब इंडिया ने चाबहार पोर्ट बना लिया, अब ईरान के थ्रू मामला चल रहा है हमारा, लेकिन तालिबान ये चाहता है कि लैंड रूट से ट्रेड हो इंडिया के साथ, राइट, लैंड रूट से, यानी कि यहां से अटारी लाहौर से अटारी वाघा जो बॉर्डर है, अटारी भारत की साइड, वाघा पाकिस्तान की साइड, और वहां से फिर हम तो जाने नहीं चाहते पाकिस्तान से, गाड़ी हमें नहीं जाना, खैबर पख्तूनख्वा चली जाएगी, जहां से थ्रू वन ऑफ द बॉर्डर क्रॉसिंग्स वो दे विल गो टू अफगानिस्तान, यहां से गेहूं जाएंगे, मेडिसिन जाएंगे, वहां से ड्राई फ्रूट आएगा, कुछ आएगा जो भी अफगानिस्तान में होता है, ड्राई फ्रूट बहुत बढ़िया वहां पे है, और रग्स वगैरह, फैब्रिक जो उस लोकल हैंडलूम्स वगैरह जो भी वहां पे बनता है, हमें पाकिस्तान के थ्रू नहीं आना, ट्रेड अफगान तालिबान चाहता है भारत के साथ, और भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, लेकिन बीच में है पाकिस्तान, और आप जानते हैं अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, और भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर चाबहार पोर्ट से भेजे, इतना भारत पैसा वैसा कर लेगा, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन तालिबान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज कम है, राइट, फॉरेन एक्सचेंज कम है। अगर भारत रुपी की ट्रेड शुरू करता है अफगान तालिबान में, अफगान तालिबान के साथ या अफगानिस्तान के साथ रुपी की ट्रेड शुरू करता है कि ठीक है आप हमें रुपी में पैसा दे दीजिए, आप सोचिए इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, जरा सोच के बताइएगा मुझे कि मेजर साहब ये असर पड़ेगा, वो मर जाएंगे, अगर हार्ट फेल हो जाना उनका, रुपी में ट्रेड शुरू करते हैं, फिर रुपी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इमीडिएटली अपना जो राहदारी है वो दे देता है, तभी तो उनका हार्ट अटैक हो जाएगा, भारत ने नहीं मांगी, उनका चलेगा ही नहीं, अफगान तालिबान ने मांगी है। 90% पाकिस्तान मना कर देगा अफगान तालिबान को, 90% या 99% आप मान के चलिए कि मना कर देगा अफगान तालिबान को पाकिस्तान के, हम आपको रास्ता नहीं देंगे, ओवरलैंड राइट्स हम आपको नहीं देंगे, और आप जाइए आपको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए, तो बस हो गया काम उनका, फिर ये पाकिस्तान कहेगा, और उसके बदले में अफगान तालिबान इनका ढोल बजाएगा, वही तो, ठीक है। अच्छा, चोर से एक और चीज, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पीपल टू, और कितना पीपल टू पीपल, अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान कोई बॉर्डर नहीं है पक्का रखा है पाकिस्तान के अंदर, और कितना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट चाहिए, वही तो, पाकिस्तान ने इतना गंद बचाया अफगानिस्तान में कि वहां पे पाकिस्तान के अंदर मिलियंस ऑफ अफगान हैं, 3-4-5 मिलियन कुछ ऐसी हैं, कराची में तो आप कराची में कदम रखिए तो वहां पर कितने, जब वो बोलते हैं बिल्कुल अफगानी की टाइप उनका बोलने का स्टाइल था, कोई भी इंसान अपना मुल्क छोड़ के क्यों, पाकिस्तान में देखा हमने कहीं को, पाकिस्तान को लगा कि हम लोग ना अफगानिस्तान में इंटरफेयर करेंगे, अफगानिस्तान में खाना जंगी का माहौल करेंगे, गृह युद्ध सिविल वॉर करेंगे और बड़ा मजा आएगा, हम लोग कंट्रोल करेंगे, यही सोचा था,
पश्तून है इनके घर में आके बैठ गए, अब इनको परेशानी हो रही है। ओ भाई, आप अगर नहीं चाहते थे कि अफगानी आपके यहां आए पाकिस्तान के अंदर बिना वीजे के, बिना परमिशन के लाखों की तादाद में घुस गए पाकिस्तान के अंदर, अगर आप नहीं चाहते थे तो फिर आपने ये सब करा क्यों शुरू में? ये आपने क्यों जाके वहां पे मदाखलत करी अफगानिस्तान में? बड़ा स्ट्रेटेजिक डेप्थ और जीएचक्यू रावलपिंडी ने दिमाग लगाया और बड़ी स्ट्रेटेजिक हो गया, स्ट्रेटेजिक खुश हो गए, चैन आ गया, स्वाद आ गया। अभी वो कह रहा है हर शहर में बम फोड़ेंगे। और इनको अभी तक पाकिस्तानियों को यह पता नहीं लगा कि अफगानिस्तान से, ठीक है, दे शुड नॉट इंटरफेयर इन अफगानिस्तान। भारत भी गया अफगानिस्तान में, आज भी भारत का प्रेजेंस है अफगानिस्तान में। भारत अपना जाके सिविल प्रोजेक्ट करता है, अपने ब्रिज बनाता है, स्कूल बनाता है, उनकी पार्लियामेंट बनाई है, लाइब्रेरी बनाई, अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई और हाथ जोड़ के वापस आ गए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, आप हमारी मदद जो चाहो। इसलिए जो अफगान है वो भारत की इज्जत करते हैं और इंडिया भी इज्जत करता है अफगानों की। पाकिस्तानी लेना एक ना लेना दो, वहां पे पहुंच गए कि जी हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, और इंटरफेयर और करते हैं अफगानिस्तान के अंदर। अब वो चढ़ जाते हैं, और पठान जब चढ़ गया तो पठान के बाद फिर एक ही रास्ता, वो पटाखे बजाएगा इनके। तो उन्होंने हुक्म दे दिया कि अब इन सबके पटाखे बजाओ हर शहर में। दोस्तों एक और चीज है कि सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स पर डिस्कस, क्या प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने डिस्कस करे होंगे जिसमें खुद कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, वो अफगानिस्तान के तालिबान के साथ प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा है। तो एक तो ये खबर है, ठीक है, फालतू का स्टेटमेंट दिया है मजाक उड़ाने के लिए। और जो कहते हैं कि मुल्ला याकूब है डिफेंस मिनिस्टर जो है वहां का तालिबान का, जो मुल्ला उमर का बेटा है, जो मुल्ला उमर वो था फाउंडर ऑफ तालिबान ना, वो फाउंडर तालिबान जिसने तालिबान शुरू करी थी, उसी का बेटा है मुल्ला याकूब। उसने तो मना कर दिया मैं पाकिस्तानियों से मिलूंगा ही नहीं। अरे वाह, ही रिफ्यूज्ड टू मीट गुड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स मीना रबानी खर साहिबा से, उसने मिलने से साफ मना कर दिया, सेड नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। भेज भी ले लेडी को तालिबान के पास गॉगल्स पहन के। हां अफगान तालिबान, देखिए मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान है जो दुनिया भर में कह रहा है कि इनको पैसे दो, इनको पैसे दो, इनको पैसे दो। कभी आपने सुना है अफगान तालिबान को पैसा मांगते हुए किसी से? ना। वो एक रोटी खा लेगा लेकिन उसका हाथ ऐसे नहीं होगा, वो कहता है पठान है, हम मांगते मांगते नहीं किसी से। तो उन्होंने मांगने के लिए पाकिस्तान को रख रखा है कि भाई ऐसा है कि हम तो पठान लोग हैं, हम गैरतमंद लोग हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, हमें मांगना नहीं आता, तुम मांगो, ठीक है, और तुम तो एक्सपर्ट हो यार, तुम तो खानदानी मांगते हो, तो तुम लोग मांगो हमारे। उन्होंने इसको, अब वो भी चढ़ गए इनसे और बोला कि तुम हमारा नाम लेके बहुत ज्यादा मांगना शुरू कर दिया तुमने और डिलीवर कुछ कर नहीं पा रहे, तुम सिर्फ मांगते रहते हो 24 घंटे और अपने पास रख लेते हो सब कुछ। अभी भी कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ ने बोला था क्या कि अफगानिस्तान में ये होना चाहिए, होना चाहिए, इससे तालिबान वाले बड़े चिढ़ते हैं, अफगानिस्तान की आप हेल्प करिए, अफगानिस्तान के पैसे आप रिलीज करिए, क्योंकि उनको पता है बैंकिंग सेक्टर जो है ना अफगानिस्तान में क्रैश कर रखा है, वो बैंक्स काम नहीं करते अफगानिस्तान में। तो अगर किसी को $8-9 बिलियन देने होंगे तो किसको देगा वो? पाकिस्तान को, अब वो खा जाएगा। तो पाकिस्तान के थ्रू होगी कनेक्टिविटी, क्योंकि ईरान के साथ दुनिया की बनती नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी होगी। पाकिस्तान के साथ अगर कनेक्टिविटी होगी या पाकिस्तानी बैंक्स में पैसा आएगा, फिर वो नहीं जा रहा अफगानिस्तान, ये अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाएंगे उस पैसे। और ये सब अमेरिकन को पता है क्या ड्रामा चल रहा है वहां पर, तो सबने बिल्कुल चुप्पी साधे रखी है। अब ये पाकिस्तानी भाग रहे वहां पर, गई ये कनेक्टिविटी शनेक्टिविटी ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है? ये बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है, ये रहम की भीख मांगने गए थे कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो तुम्हारे छोटे भाई हैं उनको बोलो कि हमारी इतनी मार ना लगाएं यार, इतनी मार ना लगाएं, तो मार मार के हमारा दुम्बा बना दिया तुम लोगों ने, इतनी मार मत लगाओ, थोड़ी सी कम मार लगाओ हमारी। लगा। काफी अच्छा वीडियो था। देखिए पॉइंट यही था कि TTP ने जो डिक्लेयर किया था कि हम अटैक शुरू कर रहे हैं, राइट, तो उसी से सारी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी यही मेन न्यूज़ है कि TTP ने ये कर दिया, वो कर दिया, कैसे काउंटर करना है, सीज़ फायर टूट गई, अब ये लोग वहाँ पे गए हैं, तालिबान जो लेडीज़ को एजुकेशन नहीं देता, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता, उनके सामने आप भेज रहे हैं पाकिस्तान से एक लेडी, वो भी उनको सोचना चाहिए था कि क्या नेगोशिएट हो पाएगा। उसके लिए आपको जो फोटो दिखाई थी, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली वैसे गई थी, पूरी गॉगल्स बॉगल्स पहन के गई थी, ये क्या चक्कर है, मगर कोई उसके हिसाब से देखना चाहिए कि बंदा जाके नेगोशिएट कर सके। इसीलिए कह रहे हैं वो जो मेन उनके बंदे थे फॉरेन वाले अफगानिस्तान के, मना कर दिया अब नहीं करेंगे। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है जिस स्टेटमेंट का पूरा डिस्कशन हो रहा था, कि स्टेटमेंट में हर चीज़ में प्रॉब्लम थी। स्पेसिफिकली वो दिखा रहे हैं कि हमने ये किया, आप एजुकेशन पे क्या करेंगे, जो तालिबान कहता है कि विमेन को एजुकेशन नहीं अलाउड है और मोस्टली रिलीजियस एजुकेशन अलाउड है, तो उससे आप क्या कोलैबोरेट करेंगे एजुकेशन के मामले में, सोशो इकोनॉमिक के बारे में,
ट्रेड में जब आप गेहूँ बेच रहे हैं वो पूरी ख़राब थी, मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम। तो बेसिकली उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाली है जो सिर्फ पाकिस्तान ने निकाली, अफगानिस्तान ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। जब दो लोग मिलते हैं तो नॉर्मली एक जॉइंट स्टेटमेंट आती है या अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, इसमें उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, क्योंकि अजम्पशन ये है कि ये लोग गए थे उनको बोलने के लिए कि भाई टीटीपी को बोलो कि शांत रहे, ज़्यादा दंगा फसाद ना करें। अब नॉर्मली पाकिस्तान यही कहता है कि हम बड़ी पावरफुल कंट्री हैं, अगर कोई हमें करता है अटैक तो हम देख लेंगे। तो अभी समझ नहीं आ रहा कि टीटीपी जो एक फॉर्मल आर्मी नहीं है उसको क्यों कंटेन नहीं कर पा रहे, राइट? नॉर्मली देखते हैं कि हम देख लेंगे इंडिया को, हम कुछ रेडी हैं, ये सब बोलते हैं। इंडिया एक प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोफेशनल बड़ी कंट्री है, उसी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इंडियन आर्मी से क्या लड़ेंगे आप? अगर टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो इंडियन आर्मी का कैसा सामना करेंगे, आई डोंट नो। क्योंकि प्रोफेशनल एक आर्मी है, एक तरफ टीटीपी है जिनके पास कोई फंडिंग नहीं, कुछ नहीं, अपने जो भी जुगाड़ से काम कर रहे हैं उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो देखेंगे क्या होता है। बट सिचुएशन काफ़ी टेंस है, और जैसे हमने पहले भी कहा था कि सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फ्लडिंग आ गई वो नेचर की थी, उसके बाद जो है सारे मतलब यहाँ पे जो पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है, एक जाता है दूसरा आता है, फिर उसके जो है मिस्टर कुरैशी की बातें आ रही थी वो प्रॉब्लम करवा रहे हैं टीटीपी के साथ, काफ़ी प्रॉब्लम्स उनके पास आ रही हैं। अब होप यही है कि वो इन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉल्व करें अदर देन मतलब बिगाड़ा करें, और साथ में इमरान खान वहाँ बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं, तो काफ़ी सिचुएशन डायर लग रही है। बिल्कुल, और मोहेश जी ने बोला ना इनका मार मार के कुंभा बन जाना, अगर दुम्बा बन जाना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।